नमस्कार, मैं हूँ सौरभ द्विवेदी और आप देख रहे हैं thelallantop.com के पॉलिटिकल किस्सों की खास सीरीज़ मुख्यमंत्री। और आज हम बात कर रहे हैं गुजरात के पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर जीवराज मेहता की। 2 अक्टूबर 1956, गुजरात के अहमदाबाद में गांधी जयंती के उपलक्ष्य में एक बड़ी जनसभा का आयोजन हुआ था। इसे संबोधित करने के लिए पहुंचे थे देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्हें मुल्क में प्यार से चाचा नेहरू कहा जाता था। लेकिन 2 अक्टूबर की उस सभा में चाचा नेहरू का मुकाबला एक और चाचा से था, जिसके सामने नेहरू का करिश्मा धरा का धरा रह गया। दरअसल उन दिनों गुजरात में महागुजरात आंदोलन की धमक थी, गुजरात को राज्य बनाए जाने की मांग को लेकर, और इसकी अगुवाई कर रहे थे इंदुलाल याग्निक, जिन्हें गुजरात में लोग इंदु चाचा कहा करते थे। शुरुआत में तो अहमदाबाद के रैली स्थल में खूब भीड़ पहुंची, लेकिन जैसे ही भीड़ को इंदु चाचा के बोलने की खबर लगी, वो नेहरू की रैली से खिसक लिए। नेहरू को अंदाज़ा लग गया था कि गुजरात की मांग को वह ज़्यादा दिनों तक नहीं टाल सकते। 4 साल के लंबे संघर्ष के बाद साल 1960 में मुंबई प्रेसिडेंसी से टूटकर गुजरात राज्य बना, और इसके पहले मुख्यमंत्री बने कभी गांधी जी के चिकित्सक रहे डॉक्टर जीवराज मेहता। लेकिन वो कौन से हालात थे जिसमें कई सीजन्ड पॉलिटिशियंस को किनारे करके जीवराज मेहता को गुजरात का पहला मुख्यमंत्री बनाया गया? कहानी बेहद दिलचस्प है। लंबे संघर्ष के बाद जब गुजरात राज्य बना, तो इसके पहले मुख्यमंत्री के लिए जो पहला नाम सामने आया वो था मुरारजी देसाई का। मुरारजी देसाई गुजरात से ही आते थे और कांग्रेस के शीर्ष नेताओं में गिने जाते थे। वो उस वक्त नेहरू के कैबिनेट में वित्त मंत्री थे। वो गुजरात की राजनीति में अपना दखल तो बनाए रखना चाहते थे, लेकिन केंद्र से नहीं आना चाहते थे। ऐसे में मुरारजी देसाई ने जो पहला नाम मुख्यमंत्री के लिए आगे बढ़ाया वो था बलवंत राय मेहता का। भावनगर के रहने वाले बलवंत राय बारडोली सत्याग्रह से जुड़े हुए थे। लाहौर का वो अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पास हुआ था, उसमें कांग्रेस के महासचिव थे बलवंत राय। बाद में ये सांसद बने और इन्हीं के नेतृत्व में बनी कमेटी की सिफारिशों के आधार पर देश में पंचायती राज की शुरुआत हुई। तो इनके पॉलिटिकल CV में वो सब कुछ था जो इन्हें पहले मुख्यमंत्री के लिए योग्य बनाता। लेकिन नेहरू बलवंत राय के नाम पर सहमत नहीं हो रहे थे। बलवंत राय उस समय लोकसभा के सदस्य थे और नेहरू को लगता था कि उन्हें अभी केंद्र में ही रहना चाहिए। ऐसे में मुरारजी देसाई ने दूसरा नाम आगे बढ़ाया, और ये दूसरा नाम था खंडू भाई देसाई का, जो कि अहमदाबाद की कपड़ा मिलों में जो मजदूर थे उनके नेता हुआ करते थे। 1954 में जब VV गिरी ने, जो नेहरू की कैबिनेट में लेबर मिनिस्टर थे, राजनीतिक मतभेदों के चलते इस्तीफा दिया, तो खंडू भाई को ही मंत्री बनाया गया था। लेकिन यहाँ भी एक पेच था। दरअसल 1957 के लोकसभा चुनाव में खंडू भाई देसाई महागुजरात आंदोलन के इंदुलाल याग्निक के खिलाफ लोकसभा का चुनाव हार चुके थे। कांग्रेस किसी हारे हुए व्यक्ति को सेनापति बनाकर अपनी शुरुआत खराब करना नहीं चाहती थी। आखिरी में नेहरू ने नाम आगे बढ़ाया डॉक्टर जीवराज मेहता का। लेकिन जीवराज मेहता थे कौन और उनका नाम आगे कैसे आया? मेहता पेशे से डॉक्टर थे, गांधीवादी थे, कांग्रेस के आला कमान की नज़र में उनकी छवि अच्छी थी, और गुजरात में वो एक इंस्टीट्यूशन बिल्डर के तौर पर जाने जाते थे। ऐसे में नेहरू ने उनको कमान सौंपी। लेकिन मुरारजी देसाई को नेहरू का ये राजनीतिक दाव रास नहीं आया। जीवराज मेहता भी मुरारजी देसाई को ज़्यादा पसंद नहीं करते थे। जब उन्होंने अपने मंत्रिमंडल का गठन किया तो मुरारजी के खासम खास लोगों को इससे बाहर रखा, और इससे टकराव बढ़ता गया। टकराव चरम पर पहुंचा 1962 के चुनाव में, जब टिकट वितरण को लेकर गुजरात कांग्रेस के दो धड़े आमने सामने थे। एक धड़ा जिसका नेतृत्व कर रहे थे डॉक्टर जीवराज मेहता, जो सरकार चला रहे थे, मुख्यमंत्री थे, और दूसरे धड़े का नेतृत्व कर रहे थे मुरारजी देसाई के खास और गुजरात कांग्रेस के अध्यक्ष
ठाकुर भाई देसाई, दोनों के बीच झगड़े की शुरुआत 1960 में हुए कांग्रेस के भावनगर अधिवेशन से हुई थी। इस अधिवेशन में उस वक्त के कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीलम संजीव रेड्डी ने एक विचार पेश किया था। उनका ये कहना था कि कांग्रेस के जो नेता 10 साल से सरकार में हैं, उन्हें सरकार से संगठन में लौट जाना चाहिए। इससे किसी एक व्यक्ति के इर्द गिर्द आभा मंडल का विकास नहीं होगा और सभी को समान मौके मिलेंगे। ये नीलम संजीव रेड्डी का एक सुझाव भर था, लेकिन ठाकुर भाई ने इसे हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जीवराज मेहता के खिलाफ। दरअसल जीवराज मेहता 1948 में बड़ौदा रियासत के मुख्यमंत्री बने थे और उस गणना के हिसाब से वो इस नए सुझाव के लपेटे में आते थे, लेकिन नेहरू उनके पक्ष में डटकर खड़े हो गए और 1962 का चुनाव कांग्रेस ने उनको ही आगे करके लड़ा। नतीजे कांग्रेस की उम्मीदों के मुताबिक रहे। 154 सीटों वाली विधानसभा में कांग्रेस को 113 सीटें हासिल हुई। स्वतंत्र पार्टी ने 26 सीटों पर कामयाबी हासिल की, जबकि प्रजा सोशलिस्ट पार्टी को 7 सीटें मिली। 8 निर्दलीय विधायक भी विधानसभा पहुंचे। स्वतंत्र पार्टी को सीटें तो 26 मिली थीं, लेकिन वोट 24% मिले थे। ये गुजरात में कांग्रेस विरोधी गठबंधन की एक मजबूत शुरुआत थी। मगर अभी तो हम जीवराज मेहता की बात कर रहे हैं, जो नेहरू के दखल से मुख्यमंत्री बन गए एक बार फिर से, लेकिन मुरारजी देसाई ने उनकी राह में कांटे बोना बंद नहीं किया। नतीजतन 1.5 साल के भीतर उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। इस्तीफे की इस कहानी की शुरुआत उत्तर प्रदेश से हुई, जिसकी पूर्व पीठिका रची गई 24 अगस्त 1963 की कांग्रेस कार्यकारिणी की एक बैठक में पारित हुए प्रस्ताव से। देश ने इसे कामराज प्लान के नाम से जाना। उत्तर प्रदेश में उस वक्त सियासी हालात तेजी से बदल रहे थे। मुख्यमंत्री थे चंद्रभानु गुप्त। जुलाई 1963 में कांग्रेस के संगठन के चुनाव हुए उत्तर प्रदेश में। यहाँ पर चंद्रभानु गुप्त का धड़ा हार गया और उनके विरोधी एपी जैन प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव जीतने में सफल रहे। इसके कुछ ही रोज बाद 15 जुलाई 1963 को चंद्रभानु गुप्त के मंत्रिमंडल के 8 मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने चंद्रभानु पर एक तानाशाह की तरह काम करने का इल्ज़ाम लगाया। ये भी इल्ज़ाम लगाया कि राज्य का मुख्यमंत्री लगातार देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का अपमान कर रहा है। बगावत के इन स्वरों के बाद नेहरू ने फैसला किया कि कामराज प्लान के तहत चंद्रभानु गुप्त का इस्तीफा ले लिया जाए। चंद्रभानु गुप्त मुरारजी देसाई के करीबी थे। मुरारजी भाई ने पंडित नेहरू को खूब समझाया कि मौजूदा सियासी हालात ऐसे नहीं हैं जब इस्तीफे का खेल खेला जाए, लेकिन नेहरू नहीं माने और चंद्रभानु गुप्त को इस्तीफा देना पड़ा। अगला दाव मुरारजी देसाई ने चला। उन्होंने कहा कि अगर तर्क ये है कि वरिष्ठ नेता मुख्यमंत्री का पद छोड़कर संगठन में लौटें, तो जीवराज मेहता को इसमें शामिल क्यों ना किया जाए। जाहिर सी बात है कि इस बार नेहरू के पास कोई तर्क नहीं था। जीवराज मेहता पर गाज गिरी और सितंबर 1963 में उन्हें गुजरात के मुख्यमंत्री का पद छोड़ना पड़ा। उनकी जगह आए मुरारजी के खासम खास बलवंत राय मेहता। तो क्या जीवराज मेहता की उपलब्धि सिर्फ इतनी ही थी कि वो नेहरू के आशीर्वाद से गुजरात के पहले मुख्यमंत्री बने, पहले चुनाव में कांग्रेस को जीत दिलाई और उसके बाद उन्हें जाना पड़ा? नहीं, ये जीवराज मेहता का बहुत छोटा परिचय होगा। उनका विस्तृत परिचय अब जानिए। 1238 दिन मुख्यमंत्री रहे जीवराज मेहता को मैंने शुरुआत में इंस्टीट्यूशन बिल्डर कहा था। बतौर मुख्यमंत्री भी उन्होंने गुजरात को कई चीज़ें दी, मसलन कांडला बंदरगाह में फ्री ट्रेड जोन बनाया। वो विक्रम साराभाई के साथ एक डेलीगेशन लेकर दिल्ली पहुँचे ताकि अहमदाबाद में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट खुल सके। 1961 में उनके कार्यकाल के दौरान ही IIM अहमदाबाद की शुरुआत हुई। त्रिभुवन दास मेहता को गुजरात बुलाकर उन्होंने स्टेट कोऑपरेटिव मार्केटिंग का हेड बनाया। यह प्रयोग बाद में अमूल के नाम से जाना गया। इसके कुछ महीने बाद ही गुजरात में गुजरात स्टेट फर्टिलाइज़र कंपनी की शुरुआत हुई।
जीवराज मेहता एक तय आर्थिक एजेंडे पर काम कर रहे थे। नरम लहजे के थे, लेकिन बड़े बड़े संस्थान बनाने में दिलचस्पी रखते थे। मुख्यमंत्री बनने से पहले भी वो कई ऐसे कामों को अंजाम दे चुके थे। बॉम्बे का सेठ गोवर्धन दास सुंदरदास मेडिकल कॉलेज भी उन्हीं की देन है। पेशे से डॉक्टर इस शख्स ने आधुनिक बड़ौदा शहर की टाउन प्लानिंग भी की थी। बतौर डॉक्टर की गई उनकी एक खोज से हमारा अक्सर साबका पड़ता रहता है। बच्चों के लिए भारत में घरेलू नुस्खे पर आधारित बाबूलाइन ग्राइप वाटर को बनाने वाले जीवराज मेहता ही थे। वो गांधी जी के पर्सनल डॉक्टर भी थे। बापू के अपेंडिक्स का ऑपरेशन भी उन्हीं के खाते में दर्ज है। जीवराज मेहता का जन्म 29 अगस्त 1887 को हुआ, गुजरात के अमरेली में। पिता व्यापारी थे, शुरुआती पढ़ाई वहीं की, फिर मुंबई के ग्रांट मेडिकल कॉलेज से MBBS किया, टॉपर रहे, लंदन पढ़ाई करने गए। 1915 में वहां से लौटे और बॉम्बे में करियर की शुरुआत की। डॉक्टर रहते हुए मुंबई में नानावती सहित कई अस्पतालों को खड़ा किया। वह ऑल इंडिया मेडिकल कांग्रेस के 3 मर्तबा अध्यक्ष भी रहे। इतना सब बताने के बाद अगर जीवराज मेहता का एक परिचय हंसा मेहता के पति के तौर पर दिया जाए तो क्या खूब हो। हंसा मेहता बड़ौदा के दीवान मनु भाई मेहता की बेटी थी। जब जीवराज बड़ौदा में थे तभी दोनों में इश्क हुआ और खूब विरोध के बावजूद दोनों ने इंटरकास्ट मैरिज की। हंसा मेहता की क्या कहानी है। वह अपने पति से अलग पहचान रखती थी। संविधान सभा में शामिल 15 महिलाओं में एक वह भी थी। इसके अलावा 1948 में UN के द्वारा जारी किए गए यूनिवर्सल ह्यूमन राइट चार्टर की ड्राफ्टिंग कमेटी की मेंबर भी हंसा मेहता थी। उनकी पहचान महिला अधिकारों के लिए लड़ने वाली एक जुझारू नेता के तौर पर थी। ये जीवराज मेहता की कहानी है जो 7 नवंबर 1978 को इस फानी दुनिया से रुखसत हुए। उनकी कई पहचानें हैं, उनके कई योगदान हैं। dlalantalk.com पर पॉलिटिकल किस्सों की ये खास सीरीज मुख्यमंत्री यूं ही जारी रहेगी, जिसकी अगली कड़ियों में आपको गुजरात के और मुख्यमंत्रियों के बारे में पता चलेगा। आप फेसबुक पे ये वीडियो देख रहे हों तो हमारे पेज को लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों को इस सीरीज़ के बारे में बताएं। यूट्यूब पर भी यही अपील है, सिर्फ शब्दावली बदल जाती है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी टंटनाएं ताकि जैसे ही मुख्यमंत्री का कोई एपिसोड अपलोड हो आपको फौरन से खबर हो जाए। शुक्रिया। दी ललन टॉप के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।